जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला, एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश इकाई पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पर मंडल स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया है। इस श्रृंखला में दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन मथुरा में सम्पन्न हुआ। आइए देखते हैं इस पर विशेष खबर। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की उत्तर प्रदेश राज्य कार्यालय सचिव कलावती शंकर ने भेजी जानकारी के अनुसार पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक उत्तर प्रदेश में दिनांक 27 और 28 जुलाई 2019 को मथुरा में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था। आगरा मंडल एवं अलीगढ़ मंडल के सभी जनपदों के कार्यकर्ताओं के लिए यह मंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर रखा गया था। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के नेशनल सेक्रेटरी जनरल माननीय हेमराज सिंह पटेल ने इस दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने राजनीतिक पार्टी के उद्देश्य के विषय पर मार्गदर्शन किया। पहले दिन विभिन्न विषयों पर विभिन्न आमंत्रित विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। मूल निवासी विद्यार्थी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुनीश कुमार, इन्होंने दो विषयों पर मार्गदर्शन किया, जिसमें पहला विषय था प्रस्तावित शिक्षा नीति मूल निवासियों के खिलाफ षड्यंत्र और दूसरा विषय था संस्थाई एवं लोकतांत्रिक चरित्र और राजनीतिक पार्टी। वर्तमान परिपेक्ष में विभिन्न विषयों पर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की भूमिका, इस विषय पर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के उत्तर प्रदेश राज्य कार्यकारिणी सदस्य माननीय प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा, एटीट्यूड सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल, इस विषय पर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर नीलिमा भटकर, इन्होंने मार्गदर्शन किया। भोजन उपरांत फांसीवादी, इस विषय पर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय इंजीनियर एस आर मौर्य, इन्होंने मार्गदर्शन किया। दोपहर का पूरा सत्र इस प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं की सहभागिता के विषय पर रखा गया था। दूसरे दिन संविधान में दिए हुए मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व, इस विषय पर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय के डी रंजन, इन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। धर्म और कुलीन तंत्र, इस विषय पर माननीय इंजीनियर एस आर मौर्य, फुले अम्बेडकरवादी राजनीति, इस विषय पर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय कन्हैया लाल, अनौपचारिक संगठनों के दोष और उनका निवारण, इस विषय पर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष माननीय आर के विद्यार्थी, इन्होंने उपस्थित प्रतिनिधियों का प्रबोधन किया। दूसरे दिन विभिन्न जनपदों के कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएनटी न्यूज नेटवर्क। मूल निवासी बहुजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एमएनटी न्यूज नेटवर्क को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय भीम जय मूल निवासी।